क्या पढ़त हो बिटिया? बस ऐसे ही। अच्छा, गोंद के लड्डू समय से खात हो ना? जी चाची, ये देखिए। हाँ, क्या बात है, आप परेशान हैं? हाँ बिटिया, हम परेशान हैं, पर समझ में नहीं आवत कि बात को कैसे शुरू करें। चाची बोलिए ना। बिटिया, हमका लगत है ये लड़की मजबूरी से ना ही किसी मकसद से यहाँ रह रही है। मकसद? अरे चाची, अकेली है, परेशान थी, इसलिए यहाँ चली आई। बिटिया, हम ओके वर्तमान की बात करत है, अतीत की नहीं। चाची आप जानती हैं ना अविनाश पर हम? हम जानत है कि अविनाश पे तुझे पूरा भरोसा है, पर न जाने क्यों हमारा मन नहीं मानत। चाची ऐसी कोई बात नहीं है, आप परेशान मत होइए। ठीक है बिटिया। बिटिया, हम ओके वर्तमान की बात करत है, अतीत की नहीं। ये लड़की मजबूरी से ना ही किसी मकसद से यहाँ रह रही है, पर न जाने क्यों हमारा मन नहीं मानत। प्रेम जी, मैं भी, आपने कहा था ना कि प्रतीक भैया आ जाए तो बता देना। प्रतीक भैया आ गए। ओके। प्रतीक भैया चाय। थैंक्स रमजिम। मैंने तो महाराज जी से कहा था, तुमने तकलीफ क्यों उठाई? क्या फर्क पड़ता है, हम ले आए। कावेरी अपने काम में बिजी है ना, इसलिए। रिमझिम, कितनी अजीब बात है, वहां कावेरी इलेक्शन कैंपेन में बिजी है, यहां मैं तेजा के साथ काम कर रहा हूँ, काम में बिजी हूँ, हम दोनों काम में बिजी हैं, एक दूसरे के लिए वक्त नहीं मिल रहा है। काम का बहाना करके एक दूसरे को वक्त ना देना, ये तो गलत बात है ना भैया। भैया, कभी कभी छोटी छोटी बातें रिश्तों में दरार ले आती है। कैसी बातें कर रही हो तुम? भैया, कई बार सच्चाई हमें बहुत देर से पता चलती है, जैसे जैसे आप तेजा पर बहुत विश्वास करते हैं, करते हैं ना? हाँ, मैं तेजा पर बहुत विश्वास करता हूँ, और क्यों ना करूं? इस घर में जब किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया, सिर्फ तेजा ने मुझ पर विश्वास किया था। नहीं भैया, ढोंग किया विश्वास का, उससे विश्वास करवाया गया, आपके करीब भेजा गया है। नैना देवी ने क्या? हाँ, मैं जानता हूं, तेजा नैना देवी के लिए काम करता है। आप जानते हैं तेजा नैना देवी के लिए काम करता है, तब भी उसकी नौकरी कर रहे हैं? क्या हो गया आपको प्रतीक भैया? तुम्हें क्या हो गया रिमझिम? इस तरह से बातें कर रही हो जैसे इस घर में बहुत बड़ा भूचाल आ गया हो, सब कुछ खत्म हो गया हो। सब कुछ खत्म हो गया है भैया? आप सब कुछ जानकर भी तेजा की नौकरी कर रहे हैं? आपने अपने सिद्धांत, अपने आदर्श सब बेच दिए? रिमझिम, मान लेता हूं कि मैं अपने सिद्धांत और आदर्श बरकरार रखता हूं, तेजा की नौकरी छोड़ देता हूं, कावेरी इलेक्शन से अपना नाम वापस ले लेती है, उसके बाद क्या रिमझिम? क्या मैं कावेरी को बंटवारे की मांग करने से रोक पाऊंगा?
रिमझिम आज कावेरी चुप है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं कमा रहा हूं और कावेरी इलेक्शन में बिजी है। आज राकेश भैया हमारे साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कावेरी के एक शब्द बंटवारा ये सुनते ही क्या वो हमारे साथ इसी तरह से बिहेव करेंगे? रिमझिम आज तुमने इस घर में जो माहौल फिर से पैदा किया है, क्या वो ऐसा ही रहेगा? बाबूजी की मुस्कान, माँ जी को जो सुकून मिला है वो ऐसे ही बरकरार रहेगा? इसलिए रिमझिम बेहतर यही होगा कि मैं अपने आदर्श और सिद्धांत भूल जाऊं। रिमझिम जैसा चल रहा है वैसे चलने दो प्लीज। और एक बात रिमझिम, मैंने कावेरी को इसके बारे में कुछ नहीं कहा है और कहूंगा भी नहीं। अगर तुम कहना चाहते हो तो भैया हम भाभी से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आपको भी नैना देवी के सामने नहीं झुकने देंगे। नहीं भैया, अविनाश तेरे आने से एक फायदा तो हुआ है। क्या फायदा बाबूजी? खाने पीने की चीजें अच्छी मिलने लगी है। वरना तुम्हारी माँ तो मुझे भूखा ही रखती थी। अविनाश ये सरासर झूठा इल्जाम है, तुम उनकी एक बात मत सुनना। एक मिनट भाई, जो बात मैं करने आया हूँ वो कर लूँ। बाबूजी मैंने और रिमझिम ने ये फैसला नहीं, मेरा मतलब सोचा है बाबूजी कि नए साल की शुरुआत एक बहुत बड़े जश्न से होगी। हाँ माँ, सुख शांति सदन में एक आलीशान पार्टी दी जाएगी। वाह, पार्टी? पार्टी में शरीक हुए तो मुद्दतें गुजर गई हैं। पार्टी यानी अच्छे अच्छे खाने बनेंगे, मिठाइयां बनेंगी, मिठाइयां रसगुल्ले, गुलाब जामुन, सोन पापड़ी, रस मलाई, ठंडों के दिन है तो गाजर का हलवा खोया डाल के, पतीसा, आहा, चमचम। मैं जब भी कोई अच्छी बात कर रहा होता हूं ये साक्षात यमराज क्यों टपक पड़ता है? कौन मिठाई उठाई की बात हो रही थी? ना, पिटाई की हो रही थी। वो क्या है कि कल रात्रि को हमने एक सपना देखा कि महाराज यमराज साक्षात धरती पर अवतरित हो गए हैं और एक छोटे से काले से आदमी की खूब पिटाई कर रहे हैं। भोर का सपना था, कहते हैं सच होता है। और जहां तक खाने की बात है तो हमारे लिए तो वही बनेगा, करेले का सूप और पपीते की सब्जी। सुन लीजिए आप, पार्टी में यही मेन्यू आपका होगा, समझे? क्यों महाराज? हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मालकिन। चमचा मालकिन का कहा है? कुछ नहीं कहा है। पर हमारी एक बात सुन लीजिए, अगर पार्टी में अच्छे अच्छे खाने नहीं बनेंगे, मिठाई नहीं बनेगी तो ये पार्टी कैंसिल, ये हमारा हुक्म है। बाबूजी प्लीज, बाबूजी। बाबूजी ये भी का करत हो? अरे एक दिन तो बड़के भैया का खाने की छूट दे दो। ठीक है, लेकिन कुछ नहीं भी, या तो मिठाइयां बनेंगी या नहीं बनेंगी। अगर बनेंगी तो पार्टी होगी, नहीं तो पार्टी कैंसिल। प्लीज एक दिन की तो बात है, मान जाओ ना प्लीज। प्लीज ठीक ठीक। गुलाब जामुन, पतीसा, इमरती, ठीक है, लेकिन पार्टी के बाद वह करेले का जूस पिए पड़ी, समझो?
ऐसा है महाराज जी, हाँ जी, कि इस बार के बजट में रेल मंत्री रेलवे का टिकट सस्ता कर रहे हैं। इलाहाबाद का कटवा देंगे हम। अच्छा ठीक है, जान मर्जी तब खाइएगा, हम जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग बाबूजी। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ये रही आपकी गर्मा गर्म मसाले वाली चाय। चाय? चाय तो हम पी चुके हैं। पी चुके हैं? मालनी दे गई अभी अभी। बढ़िया चाय बना लेती है वो। रिमझिम बहू, हमारी बात मान, ये छोरी हद से ज्यादा आगे बढ़त है। अरे और कुछ नहीं तो अविनाश से तो बात कर। हाँ बेटा, क्या सोच रही हैं आप? अविनाश, मालिनी। हाँ रिमझिम, कमाल की बात है ना, कितनी जल्दी मालिनी हमारे परिवार का एक हिस्सा लगने लगी। अच्छा है, चलिए हम नहा के आते हैं। हेलो। हाय रिमझिम, मैं बोल रहा हूँ अनुराग, कैसी हो तुम? हम ठीक हैं, बोलो। तो मिले कॉफी हाउस में? प्लीज मजाक मत करो। कहो क्या बात है? क्यों, मैं तुम्हें फोन भी नहीं कर सकता? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बोलो ना। एनीवे ओके, मैंने सिर्फ ये जानने के लिए फोन किया है कि तुम समय पे दवाइयाँ खा रही हो या नहीं। हेलो रिमझिम, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं अनुराग, ऐसी कोई बात नहीं है, हम दवाइयाँ टाइम पर ले रहे हैं। एनी अदर प्रॉब्लम? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। रिपोर्ट्स आ गए? नहीं, कल आ जाएंगी तो मैं फोन करता हूँ। ओके ओके, बाय। टेक केयर, बाय। चलिए ना बाबूजी। चलो है, चलो है। अविनाश बाबू, आप अपने आप को बहुत रमखा समझते हैं ना। तो लीजिए, बचाइए अपने हाथी को। हाँ 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 बाबूजी, देखते जाइए, देखते हैं किसका हाथी और किसका वजीर। अरे बाप हूँ तेरा बाप, तुझे तो मैं यूं हरा दूँगा। हाँ हाँ, देखते हैं बाबू। चलो आज ही चलो, तुम इस प्यादे को बढ़ाओ ना, और देखो बाबूजी की रानी गई। नहीं नहीं, दिस इज चीटिंग, दिस इज चीटिंग। बाबूजी बाबूजी, वो सिर्फ चाल सजेस्ट कर रही थी, मैं भी यही चाल सोच रहा था। नहीं तो तुम दोनों मिलके क्यों नहीं खेल लेते भाई? ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है तो तुम दोनों मिलके खेलो, मैं अपनी बीवी को साथ में खिलाता हूं। कोई प्रॉब्लम नहीं, आओ मालिनी, बैठो यहां पर। अरे रिमझिम बिटिया, तुम ही आओ, हम तुमका अंदर खोजत रहे। अच्छा अब जल्दी से बताओ, खाए का बनी? पूछ लेते हैं बाबूजी। एक ही बढ़ा सकते हो एक बार? हां हां बाबूजी, ये बाबूजी खाने में क्या बनेगा? खाने में मालिनी बेटा, आज तुम क्या खाना चाहती हो?
हाँ मालिनी, कुछ बढ़िया सा मेन्यू प्लान करो, कुछ मजेदार। हमने तो चाल चल दी। रिमझिम चलिए बाबूजी, तुम ही बताओ ना आज खाने में क्या बनेगा। मैं क्या बताऊँ, हम तो रोज ही बताते हैं, तुम बताओ खाने में क्या बनेगा। ठीक है तुम्हारा जी, मेथी के पराठे, अरहर की दाल, चावल, रायता और गोभी की सब्जी। ठीक है ना बाबूजी? गोभी की सब्जी, अरहर की दाल, मेथी के पराठे, मुद्दते हो गई ऐसा खाना खाए। बाबूजी बाबूजी बाबूजी, खाते रहिए मेथी के पराठे शराठे, लेकिन क्या करें आपकी रानी हमारे हाथ में। ये बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, ये मेन्यू के चक्कर में रानी गवा दी मैंने अपनी। देखा हंस गए बाबूजी आप। चलो कोई बात नहीं, हम भी रानी के बिना। बाबूजी नहीं नहीं बाबूजी, आप किसी को चीटिंग नहीं करते। उम्र की बात नहीं होती, चीटिंग नहीं करते।